तो एसएलए के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं तुम सभी को ये दिखाने वाला हूँ कि लगभग समझ गए होगे, क्योंकि जो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट डाला था कि हमारा जो वर्कशॉप और ब्रिलियंट लाइट है वो अनलॉक हो चुका है। तो वो हम लोगों ने कैसे अनलॉक किया था, हार्ड मोड का जो चैप्टर है हमारा मेन चैप्टर हार्ड मोड का चैप्टर 10, तो उसको हम लोगों ने क्लियर किया था। उसके आखिर में जो एक पागल भालू बैठा हुआ है 7-65 लेवल की उसकी एचपी है, तो उसको हम लोग को पूरा ख़त्म करना पड़ा था। तो उसको हम लोगों ने कैसे किया था, क्या हमने दाव पेज यूज़ किया था, तो वो इस वीडियो में संजीनू के ऊपर हम लोग चेकआउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग संजीनू के ऊपर आ जाएंगे और संजीनू का लेवल मेरा यहाँ पे 70 हो चुका है। मैं जब 69 था तब मैं गया था। तुम लोगों को मैं पता है, अगर तुम मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हो, कि जो जी मैं सोलो लेवलिंग गेम है, F2P प्लेयर हूँ, बहुत ही आराम से खेल रहा हूँ धीरे धीरे। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है कि ये लेवल अनलॉक हो गया अभी मुझे ये खेलना ही होगा। धीरे धीरे खेलो, पावर अप करते जाओ और सही से जाके खेलो, तुम्हारा वो जो है वो अनलॉक हो जाएगा, है ना। अब देखो, जो चीज़ तुम्हारी, एक बात बोलूँगा, जो चीज़ तुम्हारी बहुत ही आसानी से हो सकती है, उसको क्यों भला मैं इतनी कोशिश करके, इतनी मुश्किल से लेके, प्रेशर में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके मैं पूरा करने जाऊँगा, है ना। तो सबसे पहले देखो, संजीनू के ऊपर मैं क्या लेके गया था, ये दो चीज़ें लेके गया था, ये जो वल्कन्स रेज है ये, और इसके नीचे जो डेमोनिक प्लम्नोसम स्वॉर्ड है ये। प्लम्नोसम स्वॉर्ड क्या करता है तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेमोनिक, ये जो वल्कन्स रेज है भाई, जो तुम्हारे फायर डैमेज करते हैं उनके लिए तो ये मतलब नाइटमेयर है, एक बुरे सपने से ये कम नहीं है। ऐसे चीज़ करेगा जो वो पागल भालू के जो बच्चे कच्चे भी आता है ना, उसको मतलब देखना कैसे हवा में उड़ाएंगे जब गेम पे स्टार्ट करूँगा। तो इधर से ये दोनों वेपन ले लेने हैं। अब इसका तो मतलब अलग ही मेरा माजरा था, मैंने सोचा नहीं था कि वो चैप्टर मैं खेलने बैठूंगा। मतलब ये वल्कन्स रेज मुझे परसों ही मिला था, मिलने के बाद मतलब 20 लेवल अप था, तो 20 लेवल अप किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसको टेस्ट आउट करने जाते हैं। तो टेस्ट आउट करने के लिए मैं जो चैप्टर 10 खेलने बैठ गया था, ये मतलब पीछे चैप्टर की बात है, जो तुम्हारे मैंने लास्ट में बॉस फाइट थी उसकी नहीं। तो वहाँ पे जब खेलने गया भाई, 20 लेवल में कैसे भालू का उड़ा उड़ा के ये एचपी एकदम ख़त्म कर दे रहा है। मैंने सोचा ये क्या चीज़ है भाई, इस हथियार के बारे में तो इतने ज़्यादा मैंने सुना भी नहीं था, यूट्यूब पे भी नहीं मिला था, ये इतना डेंजरस कैसे है। फिर मैंने वही 20 लेवल लेके चला गया था बॉस फाइट करने, लेकिन वहाँ नहीं, उसने मुझे मतलब टाइम फेल हो गया था, लेकिन हाँ उसकी एचपी मैंने मतलब 20 पे ले आया था, 20-15 पे ख़त्म नहीं कर पाया था। और फिर मैंने उसको खींच के 50 लेवल तक ले गया और फिर काम ख़त्म हो गया। अब देखो, ब्लेसिंग स्टोन्स में मैंने ये चौथा ब्लेसिंग स्टोन स्लॉट ओपन हो चुका है। मैं बोलूँगा ये जो तुम्हारा ये वाला है ये ले लेना, क्योंकि ये ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारी एचपी बहुत डाउन होगी अगर तुम्हारे स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो। और ये तो लेके ही जाना है। दूसरा तुम्हारा ये ले लेना है, ये तुम्हारा जो डैमेज है वो कम कर देगा, एकदम ज़रूरी है। और जो तीसरा ब्लेसिंग स्टोन है, मैं मान कर चलता हूँ जो ये लेवल खेलने जाएगा उसका 60 के ऊपर जा चुका है, तो उस पर तुम लोगों को कुछ डैमेज वाला लेना है। कोई भी अगर एलिमेंटल डैमेज हो गया तो बहुत बढ़िया है, एलिमेंटल डैमेज वाला एक ब्लेसिंग स्टोन होता है, रेनबो की तरह देखने में होता है, तो वो ले लेना। तो मैंने इस तरफ से ये लेके रखा था, ये जो मेरा मेन क्या है, डैमेज इंक्रीज़ कर देता है। डैमेज इंक्रीज़ करने के लिए कोई भी ब्लेसिंग स्टोन तुम्हारा चल जाएगा, बस डैमेज इंक्रीज़ करना चाहिए। और जो मेन हमारा चीज़ आता है फिर, ये स्किल्स। मैं तुम लोगों को तो ये भी बोला था कि देखो, इस गेम में तुम डैमेज इंक्रीज़ इस तरीके से कर पाओगे। किस तरीके से, तुमको जो मतलब गेम खेलने के लिए जो रूल्स बताए जाएंगे उस रूल्स को फॉलो करना, जो तुम्हारा एलिमेंटल डैमेज ज़्यादा है उसको लेके जाना संजीनू के ऊपर, भाई बहुत गंदा डैमेज करेगा। जैसे कि जो ये भालू का चैप्टर है उसमें वो फायर एलिमेंट उसकी कमजोरी है, तो मैंने संजीनू के ऊपर सब कुछ फायर वाला ले लिया। जैसे ये वाला स्किल देख सकते हो, डेथ डांस, ये जो इसका लास्ट में है, मुझे मेरी ये किस्मत अच्छी थी कि फ्यूजन करते करते मुझे एक एपिक वाला स्टोन मिल गया था। फायर डैमेज करेगा, हैवी ब्रेक डैमेज करेगा, यहाँ पर ब्रेक डैमेज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये देख सकते हो, एक इफेक्ट जो है, द डैमेज इंक्रीजेस बाई 30% व्हेन अटैकिंग एनिमीज विद देयर एलिमेंटल वीकनेस, तो ये मेरे फेवर में आ जाता है, 30% से ज़्यादा डैमेज करेगा। दूसरा मैंने ले लिया है ये। अब ये स्किल मतलब बहुत ही अच्छी स्किल है बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, जो कि तुम्हें ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं, ये दूर से तुम्हें अटैक मारेगा। और मैंने फायर वाला ले लिया है, मेरे पास ये खत्म हो गया था, मैंने खुल गया था। ये क्या करेगा, डैमेज डील टू बॉसेस एंड एलीट मॉन्स्टर्स इंक्रीजेस बाई 45%। देख सकते हो, डैमेज ये भी 45% से बढ़ा देता है। तो ये दोनों स्किल्स मैंने यूज़ किए थे, बाकी अल्टीमेट तो तुम लोगों को पता है क्या है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे गेम स्क्रीन पे। तो इधर हार्ड मोड में तुम देख सकते हो, चैप्टर 10 में हम अगर अंदर जाएंगे, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे नीचे लेवल 60 मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी है, लेकिन भाई थोड़ा ऊपर लेके जाओ लेवल, एटलीस्ट 5 या फिर 4-5 लेवल ऊपर लेके जाओ, तो तुम लोगों को खेलने में भी आसानी होगी, संजीनू को भी मतलब थोड़ी राहत मिलेगी कि भाई ये मेरा जो ओनर है मुझसे किस तरीके के काम करवाता है, मुझको इन लोगों ने समझ के क्या रखा है, उसको थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बेचारे मर मर के थक चुका है गेम के अंदर। तो यहाँ पर जाने के लिए देख सकते हो, मैं अंदर चला जाऊँगा, भाई चला जा। हाँ, यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पे जो तुम्हारे 3 सपोर्ट फाइटर्स आने वाले हैं, यहाँ पे भी बहुत तुम्हारा काम करना होगा।
तो देख सकते हैं बॉस के जो पैसिव से वो क्या है देख सकते हो। एक है यूज स्किल दैट इन्फ्लिक्स डीबफ्स दैट कैन बी रिमूव। याद रखना कि बॉस तुम्हारे ऊपर डीबफ्स छोड़ेगा, मतलब ऐसे कुछ इफेक्ट्स लाएगा जो कि तुमको क्षति पहुंचाएंगे या फिर तुम्हारे ऊपर डैमेज आएगा कुछ ज़्यादा ही, और ये भी स्टैक करने वाला है, इसलिए तुम लोगों को ये हटाना ही पड़ेगा। इसको हटाए बिना तुम ये गेम, मतलब ये जो लेवल है, क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितना टाइम जाएगा तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा डैमेज आएगा तुम सह नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो उसके लिए और उसके बाद ये क्या करेगा, देखो दिखने की जरूरत नहीं है, ये शक्ल से पता लग जाता कि ये पॉइजन मारेगा। मुझे पता नहीं कि कौन सा ऐसा भालू है जो पॉइजन का यूज़ करता है अपने एनिमीज़ को मारने के लिए। तो एक पॉइजन लाएगा और एक डैमेज डीबफ लाएगा, तो इन दोनों चीज़ों को तुम्हें काउंटर करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी या तो ली बोरा की या फिर नाम क्या है उसका भूल गया, अलिशा की। अगर स्किल्स में जाएंगे तो सपोर्ट स्किल में हमारी ये जो ली बोरा क्या करती है, डीबफ रिमूव कर देती है। और ये मैंने इसको लिया है बस, मतलब ली बोरा को इकलौता कारण ये नहीं है, क्योंकि मैं एलिशिया को भी ले सकता था, उसकी एचपी मेरी ज़्यादा है, मतलब कॉम्बैट पावर। इसको लेने का पीछे का मेन कारण है ये है कि इंक्रीजेस द डैमेज टेकन बाई 15%, जिसको बड़ी चार्म इफेक्ट लगेगा, तो जो तुम्हारा बॉस मॉन्स्टर होगा उसका जो डैमेज टेकन है वो भी बढ़ा देगा। ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो तुम्हारा डैमेज इंक्रीज कर देगा बॉस मॉन्स्टर के खेत में, इसलिए ऐसे कुछ हीरोज लेके जाना हंटर्स, देख सकते हो बहुत सारे के पास है। इसके पास से मीन बायंगू के पास है और तुम्हारा चोजोंगिन के पास वो है, चोजोंगिन का चाहो तो फिट कर सकते हो, क्योंकि अगर फिट कर पाओगे तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि 15% से वो डैमेज डिक्रीज कर देगा, मतलब डिफेंस डिक्रीज कर देगा और बर्न इफेक्ट देगा 150% से, कितने सेकंड के लिए पता नहीं, क्योंकि मैं तो इधर पे फिट नहीं कर पाया था, उसके भी कारण है, क्योंकि एमा को फिट करना था, इसको लाना था, और चाहा इनको मैं नहीं रखना चाहता था, लेकिन वही मेरी इकलौती हंटर है अभी, जिसकी अभी सीपी कॉम्बैट पावर बहुत ज़्यादा है। और ये भी यहाँ पे एक बात पॉइंट करने की ये है कि देखो 2.5 लाख की यहाँ पे 2,53,000 की यहाँ पे सीपी की रिक्वायरमेंट है, और मेरा है 2,34,000, फिर मैंने हरा दिया था। ये तुम्हारा लाल में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, अगर मैं किसी और को यहाँ पे चाहा इन की जगह लेता तो मेरा लाल में चला जाता, तो इसीलिए मुझे चाहा इनको रखना पड़ गया था। एक तुम लोगों को देखो ऐसा हंटर लेना है जो फायर डैमेज करता है, दूसरा एक हंटर ऐसा लेना है जो डीबफ रिमूव करे, और एक जो थोड़ा एनिमी है उसका जो नाम क्या है उसका है वो डैमेज टेकन बढ़ा दे, क्योंकि डैमेज टेकन जब जितना बढ़ेगा उतना तुम ज़्यादा उसको डैमेज कर पाओगे, क्योंकि डैमेज नहीं कर पाओगे तो वो तुम्हारा मरेगा नहीं। बाकी इनके ऊपर आर्टिफैक्ट्स तुम जो चाहे ले सकते हो, क्योंकि इनके आर्टिफैक्ट्स उतने ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे, जो करेगा वो है संजिनू का। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि संजिनू के ऊपर बर्निंग कर्स वाला सेट लेके ही जाना, वो फ्री में मिल जाएगा भाई, 7,000 फ्री में मिल चुके हैं वो कॉइन्स, तो खरीद लेना अगर किसी ने नहीं खरीदा अभी तो वो लेके 15-15 लेवल तक लेके चले जाना, आराम से निकाल लोगे। और साथ ही में मैंने इधर पर लगा रखा है वो 20 वाला सेट, तो वो ले लेना, बहुत अच्छा काम कर देगा। बस ये सब चीज़ें लेके करनी है, और इसके बाद मैं तुम लोगों को मैं उन्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करके रखी है, तो उसके ऊपर कमेंट्री करने वाला हूँ, तो वो उधर हम जाने वाले हैं अभी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं, मैं इसीलिए रिकॉर्ड करते वक्त मतलब कमेंट्री करना पसंद नहीं करता, देखता हूँ कैसे अटक गया था, और एकदम ने जाने ही जाते ही देख सकते हो मैंने वो वाला स्किल ला दिया था। देखो इन लोगों को कितने पीछे ढके लिया था उस स्किल ने, देखो फिर से उड़ा दिया था। वल्कन सरेज मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है, वल्कन सरेज तुम्हें तभी यूज़ करना है जब यहाँ पे वो एलीट वाला भालू आएगा, तब तो तुम्हारा जो नॉर्मल फायर वाला स्किल्स और प्लम ब्लॉसम सोर्ड है वो काम कर देंगे। अब तो तुम्हारा जो हंटर्स है हंटर्स को जिस से यूज़ करते रहना काम आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि पहली बार जब मैंने खेला तो यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था, तो टोटल 3 मिनट मिलेंगे, तुम्हें सिर्फ 1 मिनट खर्च करना होगा यहाँ पे, ये जो भालू वगैरह आएंगे बच्चे कच्चे इनको खत्म करने के लिए, क्योंकि 2 मिनट मैं बचा कर रख लूँगा उस बॉस वाले पागल भालू के लिए, क्योंकि वो पागल भालू का देखो तो यही चीज़ मुझे इन भालू की अच्छी नहीं लगती, साले एकदम पूरा सांड की तरह जाते हैं और हमको उड़ा कर चले जाता है। और तुम्हें अपने गेमिंग स्किल्स का यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन में देना होगा, जैसे कि देख सकते हो ऐसे जितनी बार तुम एक्सट्रीमेशन करोगे और वो शैडो स्टेप आएगा अपने का डिफेंस उतना ही डिक्रीज होगा, तो अपने शैडो स्टेप में ज़्यादा काम करना, क्योंकि जितना तुम्हारा शैडो स्टेप अच्छा होगा उतनी जल्दी ही यहाँ पे तुम खत्म कर पाओगे इन चीज़ों को। अब ये देखो जैसे मुझे एक गलती एक हो गई थी, मैं इस वाले को छोड़ के दूसरे भालू की तरफ चला गया था, जो मतलब मेन थोड़ा बॉस मॉन्स्टर है यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये मेरा बहुत दूर छूट गया था, इसलिए मेरा यहाँ पे देख सकते हो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था, 1 मिनट 35 सेकंड बस बचे हुए थे। 2 मिनट हाथ में ज़रूर रखना, क्योंकि अगर 2 मिनट नहीं रखोगे तो बाद में जाकर दिक्कत आ सकती है। और याद रखना इसको हराने के बाद तुम्हें उधर से जल्दी जल्दी भाग के जाना भी होगा। हाँ, तो अब अगर हम इधर आके पहुँच चुके हैं और ये आ चुका है पागल भालू, देख सकते हो कैसे ये देख रहा है उधर से आके, उसे दहाड़ रहा है। इसको तुम्हें डॉच करना होगा पहले जब ये आएगा, नहीं भी कर सकते कुछ रहेगा नहीं, शैडो आर्मी को बुला लेना है। और इसके बाद तुम लोगों को जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वैसे वैसे चीज़ें स्किल्स देनी होगी, दूर से पीछे से देना, अल्टीमेट का चार्ज हो गया है तो वो स्किल देने के बाद यूज़ करना, क्योंकि वो पता है तुम लोगों को क्या करता है, पहला वाला स्किल डैमेज इंक्रीज कर देता है, अगर हो सकता है दूसरा स्किल यूज़ करने के बाद भी देना, क्योंकि वल्कन सरेज को थोड़ा बचा कर रखना। अल्टीमेट हो गया, अब सामने जाना है, वल्कन सरेज को यूज़ कर लेना है भाई, बहुत डैमेज करता है ये, मतलब बेस्ट एसएसआर वेपन है इसको हराने के लिए। अब देखो अगर तुम इतनी दूर आ चुके हो हार्ड मोड में, तो आई गेस तुम्हारे पास बहुत सारे वेपन्स आ भी गए होंगे, अब ये मत कहना कि मुझे एसएसआर वेपन के साथ हराना है भाई, मुश्किल है बहुत। यहाँ पर देख सकते हो इसके ऊपर हम लोग जा चुके थे, और ये देख सकते हो ये फिर से दहाड़ा था, उसको तुम्हें डॉच करना होगा, क्योंकि जब वो वाला स्किल यूज़ करता है ना, बहुत दहाड़ने वाला, ये शुरू हो गया, इस भालू की पागलबंदी शुरू हो गई, पागल सांड की तरह 3 बार ये दौड़ेगा, तुम्हें उसको डॉच करना ही होगा। सेट में डॉच कर लिया तो देख सकते हो मैं इसकी टक्कर ठीक से
मतलब आमने सामने खाई भी नहीं थी, लेकिन मेरी एचपी कितनी डाउन हो चुकी है देख सकते हो। इसलिए तुम लोगों को मतलब डैमेज रिडक्शन वाले ब्लेसिंग स्टोन्स लेकर रखने होंगे और वो 1% एचपी वाला भी रखना होगा। और इसलिए तुम लोगों को कर्स वाला भी रखना होगा, बर्निंग कर्स वाला आर्टिफैक्ट सेट, क्योंकि बर्निंग कर्स वाला जो सेट है तुम्हारी जो 50 पे तुम्हारी एचपी फिर से पहुँचा देगा एक बार जब नीचे जाओगे तो। लेकिन याद रखना तुम्हें डैमेज के लिए ज़्यादा खाने को मिलेगा, इसलिए डॉच करने पर ज़्यादा ध्यान रखना। या फिर मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी कि वो मेरे पास टाइम ज़्यादा कम नहीं था, इसलिए बहुत नीचे आ गया था, ये बहुत क्लोज आ गया था, मुझे लग रहा था कि शायद फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तुम्हें बस अपने भालू के ऊपर ही मतलब फोकस करना होगा। जब इसकी एच पी तुम्हारे 30-25 से के आसपास आ जाएगी तो उसके बाद एच पी थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी से नीचे गिरने लगेगी, और तुम्हें अपने शैडो स्टिक का यूज़ करते रहना होगा जो जितनी बार भी टाइम हो सके। तुम्हें डैमेज रोकना ही नहीं होगा, तुम्हें डैमेज करते ही जाना होगा। देख सकते हो पागल भालू तुम्हारा जो वो दो टीममेट्स है सरे गले, उन पर भी फोकस करता रहेगा। मुझे पता नहीं उनको इतनी मार पड़ती है, लेकिन फोर भी मरते नहीं है, वो अमर है। और मुझे देख सकते हो 3 सेकंड बाकी था तब मैंने ये अल्टीमेट यूज़ किया था, मेरा अल्टीमेट से इसकी एचपी पूरी डाउन नहीं हुई थी। इसीलिए भाई अल्टीमेट स्किल को भी लेवल करके जाना पड़ता है, थोड़ा समझो कि नॉर्मल स्किल्स को भी लेवल करके जाना। देख सो 2% से एचपी बच गई थी, अब मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन 0.18 सेकंड बाकी था देख सकते हो, तब जाके मैंने ये क्लच मारा था। मुझे लग नहीं रहा था कि ये हो पाएगा, लेकिन अंध भला तो सब भला भाई, मैंने मैनेज कर लिया था। 1 मिनट 35 सेकंड बाकी था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तुम लोगों को ये बस दिखाना था कि कैसे तुम इसको आसानी से हरा सकते हो। लेकिन फिर से मैं कहता हूँ थोड़ा लेवल अप करके जाओ, 7 लेवल होते ही इसके बाद मत पहुँच जाना, क्योंकि ये बहुत पीलेगा तुमको। तुम्हारा जितना लेवल ऊपर होगा इसको हराने में तुम्हें उतनी ही आसानी होगी, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सोलह दिन के ऐसे ही मज़ेदार कुछ वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं। तो चलो बाय।